हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन सो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि किसी भी कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत है तो उनके पास कौन से कौन से अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है फंड्स के लिए से फॉर एग्जाम्पल शेयर्स है डेवेंचर्स है पब्लिक डिपॉजिट है ट्रेड क्रेडिट फैक्टरिंग ये सारी चीजें पहले हम लोग इन सब के मीनिंग देखने वाले हैं उसके एडवांटेजेस और फिर उसके डिसएडवांटेजेस। चैप्टर में हम लोग अलग अलग सोर्सेस पढ़ेंगे उससे पहले हो सकता है ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन so, वाले पार्ट पे आ जाते हैं सो so, सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस जब हम लोग बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं

हाँ, डिपेंड करता है कि वो पैसा आपको कौन से पर्पज के लिए चाहिए वेदर यू वॉन्ट दैट मनी फॉर कैपिटल दैट इज फॉर परचेजिंग के फिक्स परचेस करने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी उन सब चीजों के लिए और एल्स द मनी इज रिक्वायर्ड एज वर्किंग कैपिटल मतलब आपको डे टू डे एक्सपेंसिस पे करने हैं जैसे कि रेंट पे करना है सैलरी पे करनी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो किस चीज के लिए पैसा चाहिए वो डिपेंड करता है बट याद रखेंगे फाइनेंस के बिना सच बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है कभी भी हमारे लिए सो so, बहुत सिंपल मीनिंग है बिजनेस बिजनेस फाइनेंस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू टू द रन द बिजनेस एक्सपांड मॉडिफाई और डाइवर्सिफाई एनीथिंग चलिए नेक्स्ट आगे हम लोगों को अब क्लासिफिकेशन देखे रखा है क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे है जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो तीन चीजें अवेलेबल है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म की अगर आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, दैट इज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग फाइव इयर्स, पांच साल से ज्यादा के लिए अगर मुझे फंड्स की जरूरत है तो वो पैसा वो फंड्स कहां से आएगा तो मैं वो पैसा शेयर्स के थ्रू लेके आ सकता हूं डेबेंचर्स के थ्रू या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के थ्रू

पब्लिक डिपॉजिट से भी पैसा लेके आ सकते हैं आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट जैसे आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप लोग उसको क्या बोलते हो बैंक डिपॉजिट वैसे ही किसी भी पब्लिक कंपनी में अगर आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हो फॉर ए सर्टन टाइम तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है लीज फाइनेंसिंग का ऑप्शन है फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है ये सब मीडियम टर्म है एक से पांच साल तक के लिए हमको यहां से फंडिंग मिल जाएगी एंड लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म इज नॉट एक्सीडिंग वन ईयर सिर्फ एक साल के लिए अगर मुझे पैसों की जरूरत है मैक्सिमम एक साल तो फिर मैं पैसा कहां से लेके आ सकता हूं ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे जो बिजनेस होता है ना जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है रिटेलर ने होलसेलर से गुड्स परचेस किए हैं क्रेडिट पे तो उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन याद रखना आप लोग एज ए कस्टमर कहीं से प्रोडक्ट परचेस करते हो क्रेडिट पे तो वो कवर नहीं होता एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से अगर कोई चीज परचेस करता है क्रेडिट पे सिर्फ वही चीजें कवर होने वाली है है उसके बाद हमको शॉर्ट टर्म लोन्स भी मिल जाती है, और कॉमर्शियल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं टाइम पीरियड के बेस पे क्या याद रखोगे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में पांच साल से ज्यादा मीडियम टर्म में एक से पांच साल और शॉर्ट टर्म में नॉट एक्सीडिंग वन ईयर

से फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर है या रिटेल्ड अर्निंग है अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग हर साल साइड में रखते हैं तो वो भी हमारा ही पैसा है ओनर्स फंड बोला जाता है नेक्स्ट वन इज द बोरोड फंड बोरोड फंड मतलब आप लोग किसी से बोरो कर रहे हो नाम से ही पता चल जाता है मैंने कहीं से लोन ली है बैंक से लोन लेता हूं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता हूं या डेबेंचर से पैसा लेके आ रहे हैं ये सब क्या है बोरोड फंड है सो so, आप, आपके पास दो ऑप्शन है आप लोग पैसा कहां से लेके आ सकते हो या तो ओनर्स फंड की मदद से या तो फिर बोरोड फंड की मदद से सो बेसिकली ओनरशिप में दो चीज आएगी ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन जनरेशन बेसिस मतलब फंड कहां से जनरेट होता है या तो इंटरनली जनरेट कर सकते हो मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भाई बिजनेस के अंदर से ही पैसा लेके आते हैं सिंपल एग्जांपल रिटेन मेरे बिजनेस में हर साल प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं साइड में रख देता हूं कि आगे जाके ये हिस्सा काम आने वाला है तो ये इंटरनल सोर्स है कंपनी का ही पैसा था उसको आगे जाके यूज करने वाले हैं एक होता है एक्सटर्नल सोर्स मतलब पैसा बाहर से लेके आने वाले हैं डेबेंचर्स से या फिर बैंक लोन से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं वो सारी चीजें तो बेसिकली याद रखेंगे इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन सो तो अभी तक हम लोगों ने कौन सी कौन सी चीजें देखी है एक बार वापस से देख लेते हैं पहले टाइम पीरियड देखा था उसके बाद क्या देखा ओनरशिप उसके बाद क्या देखा है जनरेशन बेसिस चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिटेल में एक एक सोर्स को कवर करने जा रहे हैं सबसे पहला हमारा जो सोर्स है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है रिटेन्ड अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है सपोज करो इस साल मेरी कंपनी को एक करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं पूरा एक करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सब में एज ए डिविडेंड नॉट पॉसिबल डिविडेंड देने के बाद कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं साइड में रख देते हैं अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर में बिजनेस एक्सपांड करना है डायवर्सिफाई करना है मॉडिफाई करना है तो पैसा काम आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिटेन अर्निंग बोलते हैं रिटेन अर्निंग को हम लोग इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग भाई कुछ भी बोल सकते हैं पैसा कंपनी का ही है जब हम लोग रिटेन रनिंग की बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस है कुछ बेनिफिट्स है क्या क्या बेनिफिट है फर्स्ट वन रिटेन अर्निंग इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ फंड भाई परमानेंट सोर्स है ये तो हमारे पास हमेशा ये पैसा रहने ही वाला है मुझे ये पैसा किसी और को रिपे करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वन हो तो शेयर होल्डर से पैसा ले पहले फोटेशन इनकर करनी पड़ती है बैंक से लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है फ्लोटेशन कॉस्ट है पैसा लाने का खर्चा लेकिन क्या रिटेन अर्निंग में ऐसा कोई खर्चा होगा बिल्कुल नहीं भाई मेरा ही पैसा है मैं किसको इंटरेस्ट पे करूंगा मैं किसको डिविडेंड पे करूंगा कोई जरूरत नहीं है सबसे बेस्ट चीज है नेक्स्ट वन एज द आर जनरेटेड इंटरनली इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम बहुत है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा किसका है हमारा खुद का पैसा है हम उस पैसे को चाहे उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर बैंक से लोन लेते हैं ना तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन होती है फ्लेक्सीबिलिटी कम हो जाती है डेवेंचर्स में फ्लेक्सीबिलिटी कम है शेयर में फ्लेक्सीबिलिटी कम है बट यहां पे नहीं आपका पैसा है आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो कंप्लीट फ्रीडम है आपके पास नेक्स्ट वन इट एनहेंसेज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इन केस आपके बिजनेस को थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया है अनएक्सपेक्टेड लॉस है तो आप लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो क्योंकि आपके बिजनेस की कैपेसिटी है भाई आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है ऑलरेडी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड लास्ट वन इट मेक्स लीड टू इंक्रीज इन दी मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर अगर आपकी कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है लोगों को दिख रहा है शेयर होल्डर्स को दिख रहा है कि आपके पास पैसा है सब कुछ है आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है साउंड है उसका मतलब मार्केट में आपके शेयर्स के प्राइस क्या होने लगेंगे बढ़ने लगेंगे सो so, वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है मार्केट में शेयर्स का प्राइस क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा सो so, ये बेसिक बेसिक एडवांटेजेस है किसके एडवांटेज है रिटेन डरिंग के लेकिन अगर एडवांटेज है तो ऑब्वियस बात है डिसएडवांटेज भी होंगे चलो डिसएडवांटेज देखते हैं फर्स्ट वन एक्सेसिव प्लॉइंग बैक मैंने क्या बोला प्लॉइंग बैक का मतलब क्या होता है रिटेनिंग रिटेनिंग का दूसरा नाम है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट excessive plowing back may cause dissatisfaction among the shareholders as they would get lower dividend शायद ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को ना डिससैटिस्फैक्शन हो कि यार कंपनी जब देखो तब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खुद के पास रख लेती है हमको डिविडेंड के तौर पे नहीं मिलता है, हमको डिविडेंड कम मिल रहा है और कंपनी खुद के पास ही क्या कर रही है ज्यादा हिस्सा रखती है तो शायद डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है नेक्स्ट वन इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग

ये पैसा जो हमने हर साल साइड में रखा उसी पैसे को पहले से ही कोई और जगह पे लगा दिया होता इन्वेस्ट कर दिया होता बिजनेस में लगा दिया होता तो क्या पता हम उससे और ज्यादा पैसा अर्न कर सकते थे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या किया है इग्नोर किया है तो बेसिकली ये हमारे डिसएडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल्ड अर्निंग सो यहां पे हमारा फर्स्ट सोर्स कंप्लीट होता है कौन सा सोर्स है ये रिटेन्ड अर्निंग का नेक्स्ट वन सेकेंड जो सोर्स है वो है ट्रेड क्रेडिट

अगर मैं आपके पास कोई प्रोडक्ट परचेस करने आ रहा हूं और मेरी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं उस बात तो तो ऑब्वियस बात है मुझे ट्रेड क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा बिकॉज आई एम हैविंग अ गुड क्रेडिट इन द मार्केट फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है सेलर वो बात जानता है तो वो मुझे रेडीली क्या करेगा गुड्स सेल कर देगा क्रेडिट पे नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से ना सेल्स बढ़ती है आज सोच के देखो क्या हर बिजनेसमैन कैश में ट्रांजेक्शन करता होगा ऑन द स्पॉट पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई ऑन द स्पॉट पेमेंट ही चलेगा चलेगा मेरे वहां तो और कुछ नहीं चलेगा। आप अगर कैश पे नहीं करोगे बैंक से ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो मैं ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा तो गलत है पॉसिबल ही नहीं है आपको क्रेडिट पे क्या करना पड़ेगा गुड्स को सेल करना ही होगा तो ही आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को क्या कर सकते हो इंक्रीज कर सकते हो नेक्स्ट if an organization wants to increase its inventory level in order to meet the expected rise in the sales volume in the near future it may use trade credit to finance the same आप लोग भाई आपके वहां पे जो इन्वेंट्री लेवल है उसको मेंटेन करना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो स्टॉक इंक्रीज करना चाहते हो तो ट्रेड क्रेडिट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो गुड्स को परचेस कर सकते हो कि भाई नियर फ्यूचर में मुझे मेरी सेल बढ़ानी है सेल बढ़ाने के लिए पहले स्टॉक तो चाहिए ना अगर मेरे पास स्टॉक नहीं होगा तो सेल कैसे करूंगा फ्यूचर में तो अभी मैं ट्रेड क्रेडिट की मदद से मेरे वहां पे इन्वेंट्री का लेवल या स्टॉक का लेवल क्या कर सकता हूं आसानी से इनक्रीज कर सकता हूं मतलब मुझे देखो एक तरीके से फाइनेंस मिल गया। मैंने गुड्स परचेस किए मैंने पेमेंट नहीं किया ठीक है और मैंने सामने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी नहीं किया मतलब मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा है मैं आसानी से फाइनेंस लेके आ रहा हूं एक तरीके से गुड्स मैंने क्या किया परचेस कर लिए बट पेमेंट नहीं किया और उसके बावजूद मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी है इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स एसेट्स क्या आपके पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिल्कुल नहीं तो वो भी एक अच्छी चीज है एडवांटेज है हमारे लिए तो ये हमारे एडवांटेजेस है आई होप सबको पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट तक नेक्स्ट वन डिसएडवांटेजेस Availability of easy and flexible trade credit facilities may induce a firm to indulge in over trading. भाई over trading भी मत करो risk है। मैं continuous basis पे credit पे sell करते जा रहा हूँ तो risk भी तो उतना बढ़ेगा ना? अगर हम लोग credit पे इतना ज़्यादा sell करेंगे तो problem वाली चीज़ है। नहीं करना चाहिए credit पे sell। Bad debt का risk है। सामने वाले ने अगर payment नहीं किया तो, so credit पे sell करो but सोच समझ के। Next, अमाउंट ऑफ फंड एक करोड़ बस उससे ज्यादा तो नहीं क्योंकि सामने वाला इंसान आपको क्रेडिट पे सेल कर रहा है लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है एक लेवल से ज्यादा वो भी आपको क्रेडिट पे गुड सेल करने वाला नहीं है सो so, बहुत लिमिटेड अमाउंट जनरेट कर सकते हो आप एंड लास्ट इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी बोल रहे हैं कॉस्टली सोर्स है उसका रीजन है अगर आप लोग क्रेडिट पे लेते हो ना तो कैश डिस्काउंट वाली फैसिलिटी चली जाती है बहुत बार पता है बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो ना तो आपको थ्री परसेंट फोर परसेंट या फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलता है जिसको अपने कैश डिस्काउंट बोलते हैं बट अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो वो कैश डिस्काउंट जो है ना वो चला जाएगा सो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे

फैक्टरिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है चलो एक बार एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देख लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है ये दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल पेमेंट करने वाला है बिल्स पेबल है मिस्टर ए के लिए ठीक है अब मिस्टर ए ने बोला है कि भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा तीन महीने में मिस्टर बी ने बोला ठीक है भाई अब मेरे लिए बिल्स पेएबल है मैं आपको तीन महीने में पेमेंट करूंगा मिस्टर बी ने उसको बोल दिया ओके नो no प्रॉब्लम अब मिस्टर बी क्या कर रहे हैं मिस्टर बी चले गए किसके पास एफ के पास इज फैक्टर मिस्टर बी किसके पास किस पास चले गए? पास चले गए गए फैक्टर के और उन्होंने ये जो बिल था ना वो बिल किसको सेल कर दिया फैक्टर को सेल कर दिया कि भाई लो ये पूरा का पूरा बिल मैं आपको सेल कर रहा हूं से फॉर एग्जाम्पल वो जो बिल था वो एक लाख रुपए का था कितने का था एक लाख का था फैक्टर ने क्या बोला ठीक है एक लाख का बिल है ना मैं क्या करता हूं ऑन द स्पॉट आपको कुछ अमाउंट पे कर देता हूं मतलब 60 या बाकी का फोर्टी थाउजेंड में आपको कब दूंगा जब ओरिजिनल पार्टी मिस्टर ए मुझे पेमेंट करेगा ना फैक्टर को तब मतलब याद रखना फैक्टरिंग के अंदर ए बी को पेमेंट नहीं करने वाले सीधा फैक्टर को पेमेंट करेंगे क्यों बिल किसके पास है फैक्टर के पास है वापस किसको में तो किस सेल कर दिया फैक्टर को फैक्टर ने उसी दिन पे एक लाख में से सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट पेमेंट कर दिया बाकी का पेमेंट फैक्टर कब करेगा जब ओरिजिनल पार्टी मिस्टर ए किसको पेमेंट करेगा फैक्टर को डन

क्यों इतनी झंझट करनी किसी पार्टी से पैसा रिकवर करना तीन महीने बाद उसको रिमाइंडर देना ये वो इससे अच्छा उस झंझट से बचना है तो सीधा सीधा हमारा जो बिल है उसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली किसको सेल कर देंगे फैक्टर को सेल कर देंगे सो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही है फर्क इतना है कि वहां पे बैंक थी यहाँ पे फैक्टर है वहां पे पैसों की जरूरत पड़ती है तब हम लोग बैंक के पास जाते हैं यहाँ पे अभी तक हमको पैसों की जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग किसके पास चले गए फैक्टर के पास चले गए तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए एडवांटेजेस देख लेते हैं फैक्टरिंग के जिसमें लो लोन लेते हो या बैंक से डिस्काउंट करवाते हो ना उसकी जगह पे किससे डिस्काउंट करवाओ फैक्टर से ज्यादा बेटर है थोड़ा सस्ता पड़ता है बैंक अगर छह परसेंट कमीशन चार्ज करती है तो फैक्टर शायद पांच परसेंट कमीशन चार्ज करेगा नेक्स्ट

नेक्स्ट फैक्टरिंग एज सोर्स ऑफ फंड इज फ्लेक्सिबल क्रेडिट सेल्स मुझे पता है कि फैक्टरिंग है कि कि में ना एक बन चुका भाई अगर मैंने पे सेल किया तो भी मुझे पता है है कि भाई इतना तो आने ही वाला है। मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भाई जितना भी क्रेडिट सेल्स है उसके जो बिल है वो सारे बिल में किसको सेल करूंगा फैक्टर को तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव कर लेता चार्ज अभी, अभी सिखाया था मैंने यहां पे भी मैंने फैक्टर को अगर बिल सेल किया फैक्टर ने मुझे पेमेंट किया मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी कोई अपना एसेट क्या गिरवी रखने वाला हूं नॉट पॉसिबल नेक्स्ट द क्लाइंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस भाई मैं इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकता हूं मैंने बिल किसको सेल किया फैक्टर को फैक्टर ने मुझे पैसे भी दे दिए तो अब मुझे ना फाइनेंस वाली चीज को लेके क्रेडिट वाली चीज को लेके टेंशन नहीं है मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं

दस दस हजार के बिल पंद्रह पंद्रह हजार के बिल और उसमें भी आप लोग कमीशन पे करोगे नॉट पॉसिबल बहुत महंगा पड़ेगा नेक्स्ट द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द द फैक्टर इज जनरली अवेलेबल एट हायर रेट रेट देन यूजुअल ऑफ इंटरेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स आपसे ज्यादा रेट चार्ज करें क्यों क्योंकि हम आपको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं भाई डे वन पे आपको पेमेंट चाहिए तो शायद आपको ज्यादा पेमेंट भी करना पड़ सकता है इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो सकती है माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट फैक्टर ऑफ इथ इज एड पार्टी टू दी कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल कस्टमर को शायद अच्छा ना लगे कि यार्ड पार्टी मुझसे क्यों पैसा वसूल कर रही है तुम लोग समझो क्या तुम लोग यहां पे क्या मिस्टर बी मिस्टर रिकवर करने गया था नहीं कौन गया था फैक्टर गया था तो शायद कस्टमर को थोड़ा कंफर्टेबल फील ना हो उसको लगेगा कि यार क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं था कि फैक्टर को भेजा तो वो शायद एक पॉसिबिलिटी आ सकती है तो यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए ये हमारा थर्ड सोर्स है दैट इज फैक्टरिंग क्लियर एवरी वन चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज लीज फाइनेंसिंग आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट के बारे में बताए हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले सकते हैं अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता हूं तो बेसिकली मुझे टेनेंट बोला जाता है कि मैं वहां पे रहता हूँ रेंट पे और जो ओनर होता है उसको हम लोग लैंड बोलते हैं उस तरीके से लीज फाइनेंसिंग का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आप लोग या तो किसी प्रॉपर्टी को लीज पे ले सकते हो जैसे पीस ऑफ लैंड उसको हमने लीज पे ले लिया है, या फिर किसी भी एसेट को यानी मशीनरी को प्लांट मशीनरी किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली लीज पे ले सकते हैं टाइप ऑफ रेंट देखते हैं अ अ लीज इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ एन एसेट ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट जो ओनर है वो दूसरे इंसान को बेसिकली राइट right दे रहा है कि हाँ आप इस एसेट को क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो और उसके बदले आप मुझे क्या करने वाले हो पेमेंट करने वाले हो बेसिकली दो इंसान है एक लेसर है और एक लेसी है इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेंटिंग ऑफ एन एसेट देखो मैंने बोला ना रेंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है एक एसेट को हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं रेंट पे दे रहे हैं अब इसके कुछ एडवांटेजेस है मैं किसी एसेट को, मैं लीज़ पे ले रहा हूं तो मुझे क्या बोला जाएगा लेसी तो बेसिकली एसेट को क्या कर सकता हूँ यूज कर सकता हूँ आई कैन एक्वायर एन एसेट विथ लोअर इन्वेस्टमेंट भाई इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत कम है नेक्स्ट सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस दी एसेटक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है

लैंड एंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी किसी भी चीज को लीज पे लिया तो उसकी वजह से मेरी डेट रेजिंग मतलब मुझे मार्केट से अगर पैसा उठाना है पैसा बोरो करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आसानी से क्या सकता हूं? कर सकता हूँ बोरो कर सकता हूँ मेरी क्रेडिट वर्च को रिस्क ऑफ ऑक्सुलेस इज बोर्न बाई दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सीबिलिटी टू दी लेसिट

तो क्या आप लोगों को उसकी ओनरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी और अगर आप लोग उसके ओनर नहीं हो तो उसकी रेसिडियल वैल्यू पे भी आपका कोई हक नहीं है जो लास्ट में समझो स्क्रैप वैल्यू बचती है या सेल करते टाइम जो वैल्यू बचती है क्या वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी किसको मिलेगी ओनर को मिलेगी वो नेक्स्ट इट मे रिजल्ट इन दी हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस द इक्विपमेंट इज नॉट फाउंड यूजफुल सपोज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी मैंने कोई एसेट लीज पे ले लिया और बाद में मुझे पता चला कि यार ये एसेट मेरे तो कोई काम का ही नहीं है यूजफुल नहीं है जितना मैंने सोचा था तो मुसीबत हो सकती है हमने पेमेंट भी किया है और अब वो एसेट भी हमारे किसी काम का नहीं है तो याद रखेंगे ये हमने एक और टॉपिक पढ़ा है कौन सा टॉपिक पढ़ा है लीज एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है जो इंसान लीज ए, एसेट लीज पे लेता है उसको क्या बोलते हैं लेस भी और जो इंसान एसेट लीज पे दे रहा है उसको क्या बोलते हैं लेसर बोलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक डिपॉजिट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे बैंक में आप लोग पैसे डिपॉजिट करते हो ठीक है उसको क्या बोलते हो आप लोग बैंक डिपॉजिट बैंक उसके ऊपर आपको क्या पे करती है इंटरेस्ट पे करती है सेम तरीके से ये पब्लिक डिपॉजिट आप लोग पैसा डिपॉजिट करने वाले हो बट कहां पे डिपॉजिट करने वाले हो पब्लिक कंपनी में और उसके ऊपर भी आपको, आपको क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट मिलने वाला है हाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक से ज्यादा मिलता है तो आपके लिए अच्छी चीज है बैंक आपको थ्री परसेंट दे रही है कंपनी वाले आपको फोर या फाइव परसेंट या 6 दे तो अच्छा है आपके लिए तो बट याद रखना आज आपने अगर पैसा डिपॉजिट किया है तो मेच्योरिटी पे ही आपको पैसा मिलेगा सपोज करो मेच्योरिटी है एक साल की आज मैंने पैसा डिपॉजिट किया एक साल के बाद ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा वो भी विथ इंटरेस्ट बस और कुछ झंझट नहीं बीच में हम लोग पैसा विथ्रॉ कर सकते नहीं है चलो इसके एडवांटेजेस देखते हैं फर्स्ट वन The procedure of obtaining the deposit is simple and does not contain the restrictive conditions as there are generally in loan agreement. मैं mujhe agar logo se public deposit lena hai to uski procedure bahut simple, koi restrictive condition nahi kuch nahi नहीं. नहीं। Banksal loan लेने जाते हो ना तो agreement होता है, procedure बहुत होती है, restrictive conditions बहुत सारी होती है, but यहाँ पे नहीं होगी. Public से मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, deposit accept कर सकता हूँ. Next one, the cost of public deposit. जनरली लोअर देन दैट ऑफ मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा ना तो मुझे इंटरेस्ट बहुत पे करना पड़ता है भी पे करना पड़ता है वही अगर मैं पब्लिक से पैसा लेके आ रहा हूं पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में मैंने उनको सिक्स सेवन परसेंट पे कर दिया एट परसेंट पे कर दिया तो भी बहुत हो गया मेरे लिए मतलब मेरे लिए तो अच्छा है मेरी कॉस्ट क्या हो रही है कम हो रही है कंपेयर टू बैंक लोन नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट ज करने की जरूरत नहीं है कंपनी वाले लोगों से पैसा ले रहे डिपोजिट के फॉर्म में बट कंपनी वाले अपने जो एसेट्स है उस पर चार्ज क्रिएट नहीं करते मॉर्गेज नहीं करते आप लीगली उनके एसेट्स को कुछ नहीं कर पाओगे कंपनी के लिए तो अच्छा ही है एक तरीके से नेक्स्ट

देखो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का रिस्पॉन्स ही ना कंपनी को जब पैसों की जरूरत है कंपनी ने बोला कि भाई डिपॉजिट करो आप लोग बट जरूरी है कि लोग डिपॉजिट करेंगे ही ऐसा कुछ जरूरी नहीं फिक्स नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है एंड द कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट मे प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली वेन साइज ऑफ डिपॉजिट इज लार्ज देखो पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट करना है ना बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत बड़ा टास्क है अगर आप लोग बोलते हो कि भाई मैं फिफ्टी थाउजेंड के डिपोजिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ हर इंसान से पचास पचास हजार का कलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट है वो भी अगर बहुत अमाउंट है सपोज करो आप लोग ऐसा बोलते हो कि भाई आपको पांच सौ करोड़ कलेक्ट करना लोगों से इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट बहुत डिफिकल्ट चीज है वो कभी भी इतना आसान हमारे लिए नहीं होगा सो so ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नेक्स्ट सोर्स था जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं फंड लेके आ सकते हैं नेक्स्ट वन कॉमर्शियल पेपर अब भाई एक और ऑप्शन है कॉमर्शियल पेपर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं फंड लेके आ सकते हैं कॉमर्शियल पेपर बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो नाइनटीज में स्टार्ट हुआ था कॉमर्शियल पेपर एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कंपनी क्या कर रही है आपको कॉमर्शियल पेपर दे रही है और आप लोग कंपनी को पैसे दो बहुत सिंपल कॉमर्शियल पेपर में याद रखना कंपनी जो फंड रेज करी है वो शॉर्ट टाइम के लिए करती है नॉर्मली साल भर तक के लिए फंड होता है

तो कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है देखते हैं सबसे पहला द कमर्शियल पेपर इज टोल्ड ऑन एन अनसिक्योर्ड बेसिस एंड डज नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्शन अभी एक चीज सोच के देखो मैंने आपको कॉमर्शियल पेपर सेल किया आपने मुझे पैसे दिए लेकिन उसमें कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन आप लोग नहीं लगा सकते भाई मुझे तो डायरेक्टली पैसा मिलने ही वाला है विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नेक्स्ट एज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इट इज इट हैज हाई लिक्विडिटी अगर आप लोग चाहो तो उस कॉमर्शियल पेपर को आप लोग क्या कर सकते हो मार्केट में सेल भी कर सकते हो हाईली लिक्विड है भाई जब आपकी इच्छा मार्केट में बेच देना किसी को भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा बैंक लोन लेते हैं, थोड़े कॉस्टली होता है अगर मैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा लेके आता हूँ लोगों से तो मुझे सस्ता पड़ेगा किसको कंपनी को मतलब कंपनी एज सच बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करती है कंपनी के लिए अच्छा है। भाई छह सात परसेंट इंटरेस्टल सोर्स ऑफ फंड दिस इज बिकॉज देर मेच्योरिटी कैन बी टेलर टू रिक्वायरमेंट ऑफ दूंगशियल पेपर क्या है कंटिन्यूस सोर्स है जब तक कंपनी को पैसा चाहिए तब कंपनी क्या कर सकती है आसानी से फंड आपको तीन महीने का और इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है लोगों को पता है कि भाई एक्सटेंड हो रहा है कोई टेंशन नहीं हमको तो इंटरेस्ट मिलने ही वाला है ना कंपनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दिए है कहा दिक्कत है किसी को नेक्स्ट कर सकते so, काफी सारी ऐसा करती है कि उनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना वो दूसरी कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में लगा देती है उसके ऊपर क्या मिल जाएगा उनको बैठे बैठे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उंड एंडली रेटेड बोल रहा हूँ मल्टीपल ऑफ फाइव लैक तो कोई भी इंसान आपकी कंपनी में पांच लाख तब इन्वेस्ट करेगा जब आपकी कंपनी फाइनेंशियली क्या होगी बहुत साउंड होगी उसकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी होगी तो नेक्स्ट तो डिड करता है सप्लायर पे मतलब इन्वेस्टर पे इन्वेस्टर के पास क्या उस टाइम पे इतना पैसा अवेलेबल है पहले तो इन्वेस्टर के पास अगर पैसा है तो ठीक है बाकी नहीं है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा एंड लास्ट commercial paper is an impersonal method of financing as such if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulty extending the maturity is not possible देखो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और लोगों को अगर वो पता है तो याद रखना उसकी मैच्योरिटी को एक्सटेंड करना बहुत डिफिकल्ट है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो तो ठीक है तो तो शायद लोग मान जाएंगे लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है लोगों को पता है कि आप रिपे नहीं कर सकते और आपने बोला कि भाई मुझे तो एक्सटेंशन चाहिए कोई इंसान आपको एक्सटेंशन नहीं देगा आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर आई होप पहले यहां तक के जितने भी सोर्सेज है जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए क्लियर एवरी वन चले सो नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाते हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक ऑफ शेयर्स हम लोग बेसिकली फंड्स शेयर्स की मदद से भी लेके आ सकते हैं बट पहले हमको पता होना चाहिए अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है सबसे पहली चीज तो सर शेयर का मतलब क्या होता है शेयर का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है ना उसको शेयर बोलते हैं सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है वो वन लाख रुपीज है ठीक है कितना है वन लाख और उस कंपनी में जो भी शेयर्स का पार्ट है जो प्राइस है वो कितना है हंड्रेड रुपीज कितना सौ रुपए का एक शेयर है मतलब कितना आंसर आया मतलब मतलब इस कंपनी में शेयर्स कितने हैं है. मतलब उस कैपिटल के थाउजेंड छोटे छोटे से पार्ट है छोटा छोटा जो हिस्सा होता है छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर बोलते हैं शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा है

मिस्टर ए ने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है और मिस्टर बी ने किस में इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंस शेयर में अब मैं दोनों ही लोगों को क्या पे करने वाला हूं डिविडेंड पे करूंगा जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है ना वैसे कंपनी हमें डिविडेंड पे करती है तो चलो भाई इक्विटी में प्रेफरेंस में दोनों में क्या मिलेगा डिविडेंड सेकेंड पॉइंट इक्विटी शेयर में डिविडेंड पे करना ना करना कंपनी के ऊपर इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी कंपनी की इच्छा होगी तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी वरना नहीं देगी जबकि प्रिफरेंस शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है याद रखना रिपीट कर रहा हूं अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पे करना कंपल्सरी है।, है तो कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करेगी थर्ड पॉइंट इक्विटी के, के केस में वोटिंग राइट्स होते हैं आपने मेरी कंपनी के मिस्टर ए ने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे मिस्टर ए के पास वोटिंग राइट्स है वो वोट कर सकता है मिस्टर बी ने मेरी कंपनी के प्रिफरेंस शेयर खरीदे

वो टाइम कितना भी हो सकता है पांच साल सात साल दस साल कंपनी के ऊपर के के ले जाना कैपिटल के बारे में, देखा, के बारे, में देखा, वोटिंग के बारे में देखा कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर इक्विटी शेयर में आपने बोला पैसा कब मिलता है कंपनी बंद होगी एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो अब वो अप का थोड़ी वेट करेगा उसका पैसा रिटर्न चाहिए

मैंने क्या बोला डिविडेंड मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है बराबर है प्रॉफिट हुआ ना तो भी कंपनी की इच्छा दूसरा कैपिटल भी भाई कब मिलने वाला है वाइंडिंग अप के टाइम पे तो आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो ना कि भाई रिटर्न ज्यादा चाहिए तो फिर आप इक्विटी में जा सकते हो क्योंकि इक्विटी का है ना प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है आप लोगों ने सुना होगा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न तो रिस्क ज्यादा है ना तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है रिस्क लेने को तैयार हो तो इक्विटी शेयर अच्छा आपके लिए सेकेंड

रिपे कप करूंगा लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे उससे पहले कंपनी आपको पैसा नहीं देगी तो कंपनी के लिए तो क्या है परमानेंट कैपिटल है भाई लाइफ टाइम रहने वाला नेक्स्ट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू दी कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू आप पैसा लेके आ रहे हो तो मार्केट में आप लोगों की जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो कैसी रहती है अच्छी रहती है और जो लोग आपको लोन देते हैं ना उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इनके पास इक्विटी कैपिटल है ओनर्स फंड है हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं लोन दे सकते हैं नेक्स्ट फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज देखो ये पॉइंट हर जगह पे रिपीट होता है आप लोगों को शेयर होल्डर्स से पैसा भी मिलेगा और कंपनी आपके लिए कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करेगी अपना कोई एसेट चार्ज पे नहीं रखने वाली याद रखना शेयर होल्डर से पैसा लिया बट कंपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखेगी। द शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है voting right मिल रहा है। कंपनी के अंदर वो क्या कर सकता है आसानी से वोट कर सकता है तो शेयर होल्डर के लिए अच्छी चीज है. है बट वोट तो कर पाएगा वो. कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं फर्स्ट वन इन्वेस्टर्स हु जिसको भाई स्टेडी इनकम चाहिए ना स्टेबल इनकम उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि रिस्क बहुत है फ्लक्चुएशन बहुत आता है बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है प्राइस नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेस अगर आप लोग यहां से इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लेके आ रहा हूं तो खर्चा ज्यादा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली पैसा लाने के लिए भी है ना खर्चा करना पड़ता है कंपनी अगर सपोज करो सौ करोड़ रुपए लेके आना चाहती है ना तो पहले कंपनी को पचास लाख का खर्चा भी करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट बनवाने में कमीशन देने में ब्रोकरेज देने में ब्रोकरेजर को पे करने में इन इन सब सब चीजों पे प्रिंटिंग पे प्रिंटिंग तो भाई इक्विटी शेयर से पैसा लेके आओगे तो खर्चा तो ज्यादा होने वाला है नेक्स्ट इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डायल्यूट द वोटिंग पावर बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हो ना तो वोटिंग राइट चले जाते हैं मैं जितने ज्यादा लोगों को इक्विटी शेयर देते जाऊंगा उतने ज्यादा लोगों के पास वोटिंग राइट्स आएंगे मतलब मेरी कंपनी का कंट्रोल कम हो रहा है अब कंट्रोल किसका बढ़ रहा है शेयर होल्डर्स का क्योंकि उनके पास क्या है शेयर्स है मेरी कंपनी के नेक्स्ट मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिले आर भाई लीगल फॉर्मेलिटी बहुत है अगर आप लोग शेयर्स के थ्रू पैसा लेके आना चाहते हो तो लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ेगी डिले होने ही वाला है फॉर श्योर ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा कि शेयर्स के थ्रू पैसा लाना है और कल आ गया नॉट पॉसिबल भाई बहुत बड़ी प्रोसीजर है टाइम लगता है उसके अंदर चलो इक्विटी शेयर्स के बाद नेक्स्ट प्रिफरेंस शेयर मैंने आपको बताया प्रिफरेंस में दो चीज पहली चीज डिविडेंड मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा तो और वो भी फिक्स रेट पे चेंज नहीं होगा इक्विटी शेयर में तो कैसा था बताया इस साल कंपनी ने दस परसेंट डिविडेंड दिया नेक्स्ट 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 ईयर ईयर जीर ईयर जीरो भी पॉसिबल है प्रिफरेंस में ऐसा नहीं है प्रिफरेंस में जो डिविडेंड का रेट है वो डिविडेंड का रेट हमेशा कैसा रहता है फिक्स रहता है भाई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कोई चेंज आने वाला नहीं और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कैपिटल कब मिलेगा प्रिफरेंस शेयर होल्डर को विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर और वो टाइम पीरियड लॉ के हिसाब से कितना है ट्वेंटी मतलब पांच साल दस साल पंद्रह साल में तो आपको आपका पैसा वापस मिल नहीं वाला है चलो हमने डिफरेंस तो देख ही लिया था इक्विटी और प्रीफरेंस का अब प्रिफरेंस के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं फर्स्ट वन प्रिफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबल स्टडी इनकम इन दिक्स रिटर्न सबसे अच्छी चीज प्रिफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या है कि उनको एक फिक्स इनकम मिल जाती है कि डिविडेंड मिल रहा है मुझे टाइम टू टाइम कोई टेंशन नहीं जिनको फिक्स इनकम चाहिए ना वो प्रेफरेंस शेयर ही खरीदते हैं यूजफुल फॉर इन्वेस्टर हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न विद कंपैरेटिवली लो रिस्क आपको रिस्क भी कम चाहिए तो भी प्रेफरेंस शेयर में चला जाओ क्योंकि तो आपको फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है और रिस्क भी आपका क्या हो चुका है काफी कम हो चुका है रिस्क ज्यादा कहां पे होता है इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर में रिस्क का इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है

कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते इंटरफेयर कर सकते नहीं है अगर इक्विटी वालों को मुझे ज्यादा डिविडेंड देना तो दे सकता हूं क्यों प्रिफरेंस को तो वैसे भी फिक्स रेट पे देना इस साल प्रॉफिट पांच की जगह सौ करोड़ हुआ तो भी कहां टेंशन है प्रिफरेंस वालों को तो जितना पहले से फिक्स था उतना ही दूंगा बाकी डिडेंड में चाहू किसको पे कर सकता हूं इक्विटी वालों को नेक्स्ट प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रिफरेंस शेयर होल्डर इतना जानता है कि जब रीपेमेंट की बारी आएगी ना कैपिटल की तो पहले पैसा हमको मिलेगा और हमारे बाद वो पैसा किसको मिलेगा इक्विटी को तो पहला राइट right किसका होता है प्रिफरेंशियल राइट प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है नेक्स्ट प्रिफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज फिर से वो पॉइंट रिपीट हो गया क्या कंपनी आपसे पैसा लेके आ रही तो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेगी नहीं करेगी सो so, कंपनी के लिए एडवांटेज है कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखेगी नेक्स्ट चलो डिसएडवांटेज देखते क्या डिसएडवांटेज है शेयर आर नॉट डिसबल फॉर दोस इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑब्वियस बात है आपको रिस्क लेना है तो ये शेयर आपके लिए नहीं है रिस्क लेने के लिए कौन सा शेयर बना है इक्विटी शेयर है नेक्स्ट प्रिफरेंस कैपिटल डायल्यूट क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर प्रिफरेंस की वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है ना वो बाद में आता है पहले किसको मिलेगा preference को बाद में किसको इक्विटी को तो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि पहले क्लेम किसका सेट ऑफ होता है प्रिफरेंस पहले कंपनी पैसा किसको देती है प्रिफरेंस को देती है और बाद में ही हमको देगी पैसा नेक्स्ट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है कंपनी है ना डेबेंचर अगर इशू करती है आगे अपने पढ़ेंगे, के जैसे होता है कंपनी अगर डेबेंचर इशू करती है पे से फॉर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है बट प्रस पे कितना देना पड़ता है तो दस बारह परसेंट मतलब जो डिविडेंड हम लोग प्रिफरेंस शेयर पे दे रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है और डेबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता है तो बेसिकली सो बेसिकलीफरेंसर्स है ना कंपनी के लिए थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं नेक्स्ट एज द डिविडेंट ऑन दीस शेयर इज टू बी पेड ओनली वेन प्रॉफिट रिटर्न शेयर होल्डर के लिए थोड़ा रिस्क तो है ना तो ही कंपनी आपको डिविडेंट पेगी पे अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर कंपनी कभी भी आपको डिविडेंड पे करने वाली नहीं है नॉट पॉसिबल नेक्स्ट द डिविडेंट पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एन एक्सपेंस देखो कंपनी डिविडेंड दे रही है कंपनी के लिए खर्चा है बट फिर भी है ना कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे ना कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है बैंक लोन पे या पेबेंचर पे तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बताते हैं डेबिट साइड पे कि इंटरेस्ट पेड़। इंटरेस्ट पेड टू खर्चा बताया प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम लेकिन डिविडेंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डिविडेंड लिखते हो नहीं लिखते हो जब डिविडेंड लिख नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर का टैक्स बेनिफिट भी हमको नहीं मिलेगा तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए अभी तक हमने दो तरह के शेयर्स पढ़े हैं एक हमने पढ़ा इक्विटी शेयर और एक हमने पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर्स शेयर्स तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द डिबेंचर्स ऑलमोस्ट के जैसा ही कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट जैसे शेयर्स इक्विटी या प्रेफरेंस क्या था एक सिक्योरिटी थी एक तरीके से डिबेंचर भी सिक्योरिटीज है कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू किए आप लोग कंपनी को क्या पे करोगे पैसा पे करोगे पैसा दोगे कंपनी को बट डेबेंचर है ना कंपनी के लिए प्योर लाइबिलिटी है क्या है प्योर लाइबिलिटी आपको क्या करने वाली है रीपे करने वाली है कंपनी जब आपसे पैसा लेती है के फॉर्म में तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी शेयर्स के केस में क्या पे करती थी कंपनी डिविडेंड तो डेबेंचर केस में कंपनी आपको क्या पे करेगी इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी आपको जब इंटरेस्ट पे कर रही है तो याद रखना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लॉस भी हुआ ना तो भी इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही अच्छी बात है कैपिटल की बात करें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा साल 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 मतलब कंपनी साल, साल, साल। बोल देगी पहले से कि भाई इतने टाइम में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा अच्छी बात है आपके लिए तो बेसिकली so हम लोग याद रखेंगे डेवेंचर बहुत सेफ है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा लॉस हो रहा है तो भी मिलने वाला है और उसके साथ साथ कैपिटल भी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको रिटर्न मिलने वाला है तो so वो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए चलिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमें बोला है इट इज प्रीफर्ड बाय द इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड इनकम भाई आपको रिस्क नहीं लेना है फिक्स इनकम चाहिए इंटरेस्ट भी मिलने वाला है और पैसा भी वापस मिलेगा डेबेंचर आर फिक्स चार्ज फंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोफिट कंपनी के लिए अच्छी बात है भाई आप लोग याद रखो आपको इंटरेस्ट मिल गया खत्म आप लोग कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो कंपनी के लिए अच्छी चीज है

स में रेस्ट्रिक्टेड डेबेंचर में नो वोटिंग राइट नेक्स्ट फाइनेंसिंग थ्रू डेबेंचर इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्रीफरेंस और इक्विटी अगर आप लोग डेबेंचर से पैसा लेके आते हो वो बहुत सस्ता है प्रीफरेंस थोड़ा महंगा है इक्विटी उससे भी महंगा है सो बेस्ट चीज क्या है डेबेंचर किसके लिए कंपनी के लिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज में

कि इस स्पेसिफाइड डेट पे मुझे इतना पैसा चुकाना है तो पहले से उस हिसाब से पैसे साइड में रखते जाओ क्योंकि रीपेमेंट आएगा एंड लास्ट वन ईच कंपनी है सर्टन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इश्यू ऑफ डेबेंचर द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूसेस देखो कंपनी की कैपेसिटी है बोरो करने की एक लेवल से ज्यादा अगर कंपनी ने बोरो कर लिया ना तो याद रखना बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जितना ज्यादा डिबेंचर से पैसा लेके आओगे उतनी आपकी बोरो करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी कम एक अमाउंट से ज्यादा बोरो कर पाओगे नहीं तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था थे कौन सा टॉपिक सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छा चैप्टर है लॉजिकल चैप्टर है रियल लाइफ में चैप्टर हमको पता होना ही चाहिए हंड्रेड तो यहां तक आपको पहले क्लियर होना चाहिए टॉपिक ऑफ डेबेंचर तक चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाते हैं दैट इज बहुत सिंपल मेथड है हम सबको पता है किसी भी कंपनी को अगर फंड की जरूरत है तो ऑब्वियस बात है वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं बैंक से जब हम लोग लोन लेते ले हैं तो अलग अलग तरीके से लोन ले सकते हैं कैश क्रेडिट के फॉर्म में ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में या फिर टर्म लोन के फॉर्म में कोई भी चीज पॉसिबल है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग तरह की लोन अब जब हम लोग बैंक की बात करते हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं

नेक्स्ट, शेयर्स के टाइम पे प्रोस्पेक्टस की जरूरत है मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको पढ़ के इन्वेस्टर सोचते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना फिर अंडर राइटिंग कमीशन होता है ब्रोकरेज होती है किस में सिक्योरिटीज में बैंक लोन में ना प्रोस्पेक्टर्स की जरूरत है और ना कमीशन देने की जरूरत है एंड लोन फ्रॉम बैंक इज फ्लेक्सिबल सोर्स एज द फाइनेंस फ्रॉम एज द लोन अमाउंट कैन बी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड देखो अगर आप लोग चाहो ना तो ये सोर्स है आपको लोन की अमाउंट इंक्रीज करनी है कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है लोन जल्दी रिपे करनी है एडवांस में तो भी कर सकते हो तो बहुत फ्लेक्सीबल मेथड है ये लोन के कुछ डिसेज है जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इट्स एक्सटेंशन इज डिफिकल्ट

बैंक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है आपके कंपनी के अफेयर्स के बारे में पूछेगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेगी इवन आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी मतलब शायद प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी आप लोगों को श्योरिटीज मांगते हैं मतलब गारंटर कि आपके बिहाफ पे कोई साइन करेगा कि भाई इसने लोन रीपे नहीं की तो मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज की तो ये थोड़ा रिस्क है एंड इन सम केसेस डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन आर इम्पोज बाई दी बैंक

एंड एज द रीपेमेंट कैन बी मेड इन easy इंस्टॉलमेंट इट डज नॉट प्रूव टू बी मच बर्डन भाई आप लोग आसानी से ई के तौर पर पे, पे कर सकते हो कंपनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं है एंड द फंड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन वेन द अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल आपको कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा है डिप्रेशन का फेज है मार्केट में बहुत मंदी चल रही है कोई बात नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा दे देगा चलो एडवांटेजेस देखे नेक्स्ट डिसएडवांटेज शियल इंस्टीट्यूशनो फॉलो रिजिड क्राइटेरिया इतनी आसानी से लोन नहीं मिलेगी लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है प्रोसीजर है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इतनी आसानी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी लोन नहीं देगा नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज करेंगे ये लोग आपके ऊपर आप अगर कहीं और से बोरो करना चाहते हो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना चाहते हो तो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन फॉलो करनी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे हैव दर नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर

हमने अभी तक अलग अलग सोर्सेज देखे हमने जितने भी सोर्स देखे बेसिकली अभी तक हम लोग कंट्री के अंदर अंदर से फंड्स क्या कर रहे थे जनरेट कर रहे थे अब हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करने वाले हैं मतलब हम लोग दूसरी कंट्री से भी फाइनेंस लेके आ सकते हैं जैसे कि कॉमर्शियल बैंक भाई फॉरन बैंक से लोन लेनी है तो फॉरेन बैंक से भी लोन ले सकते हैं हम लोग कोई इंटरनेशनल एजेंसी है या कोई डेवलपमेंटल बैंक है फॉरन में वर्ल्ड लेवल पे उनसे भी आप लोग लोन ले सकते हो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले जीडीआर और एडीआर इंडिया में अगर मैं शेयर इशू करता हूं मेरी कंपनी इंडिया में और मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो उसको अपने शेयर बोलते हैं या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस अगर अमेरिका में मैंने सिक्योरिटीज इशू किया है तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट पे इशू किया मैंने सिक्योरिटीज को अमेरिका में अदर देन अमेरिका अगर मैं इन सिक्योरिटीज को इशू करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट इंडिया में इशू करोगे तो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट अदर देन अमेरिका अगर इशू कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट अमेरिका के लिए अमेरिकन

जैसे शेयर्स में वोटिंग राइट्स मिलते थे बट यहां पे वोटिंग राइट्स मिलने वाले नहीं है पॉसिबल नहीं है वो चीज नेक्स्ट इंडियन डिपोजिटरी में रहता हूं मैंने अमेरिका में इशू किया तो मैंने बोला एडीआर मैंने अदर देन अमेरिका इशू किया तो मैंने बोला जीडीआर तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉरन कंपनी इंडिया में सिक्योरिटी इशू करे अगर फॉरन कंपनी इंडिया में सिक्योरिटी इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आईडीआर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट उन लोगों ने इंडियन कंपनीज को इंडियन

तो बेसिकली एडीआर जीडीआर आईडीआर एंड आई ये चार अलग अलग तरह की चीजें हैं सो so यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग पैसा लेके आ सकते हो अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड मतलब आप कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे जब आप कहीं से पैसा लेके आते हो इक्विटी से प्रिफरेंस से डेबेंचर से बैंक लोन से कहीं से क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे बहुत सिंपल सबसे पहले तो कॉस्ट बात है भाई कितना खर्चा होगा वो तो देखना पड़ेगा ना समझो इक्विटी में खर्चा ज्यादा है है में में कम कम उससे भी कम, तो उस चीज का ध्यान रखूंगा मैं बात नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है अगर आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है स्टेबिलिटी है तो आप डेबेंचर से या बैंक लोन से पैसा लेके आओ क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो आपकी कैपेसिटी बट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो हमेशा इक्विटी से पैसा लाने का क्यों इक्विटी में डिविडेंड देने का टेंशन नहीं है याद करो कैपिटल भी कब दूंगा वाइंडिंग अप के टाइम पे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई आपका लीगल स्टेटस क्या है सोल ट्रेडर हो पार्टनर हो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो क्या हो सोल ट्रेडर हो ना तो बॉस शेयर डेबेंचर्स ये सब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सोल ट्रेडर को ऑप्शन कहा मिलेगा खाली बैंक लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सारी चीजें कभी भी सोल ट्रेडर या पार्टनर शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं ला सकता तो याद रखेंगे जो स्टॉक कंपनी है तो ऑप्शन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर्पज एंड टाइम पीरियड किस चीज के लिए पैसा चाहिए फिक्सड कैपिटल के लिए चाहिए या वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए वो सब चीजें चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कि कहां से पैसा लेके आएंगे रिस्क प्रोफाइल बैंक लोन और डेवेंचर में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है अगर हमने रीपेमेंट नहीं किया ना तो बैंक वाले या डिबेंचर होल्डर्स ना हमारी प्रॉपर्टी बेच के भी क्या करेंगे पैसा वसूल करेंगे नेक्स्ट कंट्रोल कंपनी को कंट्रोल चाहिए क्या नहीं चाहिए सपोज करो कंपनी को कंट्रोल खुद के पास रखना है तो कंपनी कभी भी कंपनी कभी भी आपको इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करेगी क्योंकि अगर मैं आपको इक्विटी शेयर दे दूंगा तो वोटिंग राइट्स आपके पास है आप भी कंट्रोल कर सकते हो हाँ, मुझे कंट्रोल की चिंता नहीं है तो फिर मैं डेफिनेटली आपको इक्विटी शेयर क्या कर सकता हूं इश्यू कर सकता हूं नेक्स्ट इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दिनेस क्रेडिट वर्दिनेस पे इफेक्ट आता है आप समझो अगर आप लोग बोरो करते हो बैंक से या डेवेंचर से तो क्रेडिट वर्दिनेस क्या होती जाती कम होती जाती क्योंकि आप बोरो कर रहे हो हाँ इक्विटी शेयर से पैसा लेके आओगे तो क्रेडिट वर्दिनेस पे इफेक्ट आने वाला नहीं है नेक्स्ट फ्लेक्सीबिलिटी याद करो रिटेन्ड अर्निंग फ्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हमारा खुद का पैसा था वो फ्लेक्सीबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पर इक्विटी शेयर में कम है प्रेफरेंस शेयर में है थोड़ी सी है डेबेंचर में भी थोड़ी बहुत है बैंक लोन में भी थोड़ी बहुत है तो बेसिकली आपको ये देखना है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी कितनी उसके हिसाब से आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस हिसाब से आप लोग पैसा लेके आ सकते हो एंड लास्ट वन इज टैक्स बेनिफिट टैक्स बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता जबकि बैंक लोन में और डेबेंचर में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है तो कभी भी आप लोग पैसा लेके आओ तो इन सब अलग अलग सोर्सेस को पहले देखो और उसके बाद ही आप लोग क्या करोगे फंड्स को करोगे सो so, यहां तक पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है आई होप आप सबको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा सो so, अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे थैंक यू एवरी